तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी यूनिक। हम बैक स्ट्रोक आज मैं पानी में बताने वाला हूँ। कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको बाहर क्या करना है, आज पानी में अप्लाई करना है और देन आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या मिस्टेक मत करना और कैसे आप पानी में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो पानी में चलते हैं। मैंने स्टार्टिंग की लाइन काट दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरे स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक। तो शायद मैं इस लाइन को काट ही दूंगा, मैं ये शब्द नहीं बोला करूंगा, मैं डायरेक्ट जो काम की बात है वो शुरू किया करूंगा ताकि वीडियो और छोटी बन सके। तो चलो फिलहाल चलते हैं पानी में और आपको आज बैक स्विमिंग की टिप्स बताने वाला हूँ, बकायदा सिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से पानी में। तो फ्रेंड्स, बैक स्विमिंग करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको कल बताया था एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जो हैंड मूवमेंट है वो कैसे चलते हैं, ये ऐसे पीछे से ले आके यहाँ तक आएगा, देन यहाँ से ऐसे प्रेस, ठीक है। एक बार आपको मैं थोड़ा कैमरा ऊंचा करके दिखा देता हूँ। मैं ये कैमरा इसलिए नीचे रखा हुआ है ताकि जो आपको क्लियर दिख जाए। ये देखो हैंड मूवमेंट हम बैक स्विमिंग करते हैं ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये मूवमेंट हम ऐसे नहीं, बैक में हम ऐसे नहीं चलाएंगे, ठीक है। ऐसे चलाने से जोर ज़्यादा लगता है। हमने क्या करना है, हमने बैक यहाँ तक हैंड लेके देन यहाँ से ऐसे हमने एस बनानी है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, हमने एस बनानी है, ठीक है। एस की ही प्रैक्टिस करनी है और जो बैक की किकिंग रहती है वो बिल्कुल फ्री स्टाइल की तरह रहती है। चलो एक बार आपको मैं बैक स्विमिंग करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम एक एक टिप्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बैक करने के लिए मैं थोड़ा आपको नीचे कैमरा दिखा दूँ। ओके ओके, देन रेडी, थोड़ा एंगल चेंज कर लेते हैं, इससे ये रहेगा, इसके आपको एकदम क्लियर हैंड मूवमेंट भी दिख जाएगी, देन लेग्स मूवमेंट भी आपको दिख जाएगी, पर कहाँ तक दिखेगी ये मुझे पता नहीं है। तो चलो बैक मूवमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको किक मूवमेंट दिखा देता हूँ, ओनली किक मूवमेंट, हैंड ऊपर करके देन आपने किक मूवमेंट करनी है। कैसे, मुझे नहीं पता आपको दिखा हुआ या नहीं दिखा होगा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कहाँ है किक मूवमेंट, आपको समझ में आ गई होगी, फ्री स्टाइल की तरह किक करनी है, बस आपने ऊपर लेट जाना। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ऐसे लेट जाना, जितनी तेज किक करोगे उतनी स्पीड बनेगी। किक समझ में आ गई। अब आते हैं हैंड मूवमेंट, मैं किक नहीं करूँगा, हैंड मूवमेंट करूँगा। तो अब हैंड मूवमेंट देख लो, एक बार इधर से इधर भी देख लो, समझ में आ गया। दो ही तरीके हैं, बाकी स्विमिंग करते समय नाक में पानी जाता नहीं, अगर जाता भी है तो आपने क्या करना है, ये देखो मुंह में चला जाता तो आपने निकाल देना है, नाक में जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जब फेस नीचे आ रहा है तो सांस थ्रो करने लग जाओ, ठीक है। जैसे बाहर आया मुंह खोल लिया, ठीक है, ऐसे ये सबसे आसान है, तीनों चीज़ें आ गई। अब बैक एकदम अच्छे से पूरी करके दिखा देते हैं हम आपको किक के साथ हैंड मूवमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक में जो पुश लेते हैं वो ऐसे करके लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे पुश नहीं है, मैं नहीं ले सकता, वैसे वो बैक पुश जाता है यहाँ से ऐसे करके कुछ स्टार्ट होता है, पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे आज डायरेक्ट स्विमिंग की बात, बैक स्विमिंग की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हैंड मूवमेंट मैं ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है, और ये एरिया चेक कर सकते हो मैंने कितना किया। अगर आप नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक्यूरेट रहोगे, एकदम सीधे आओगे, सीधे चलोगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस साल, डेढ़ साल, दो साल मतलब करोगे, थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस से ज़्यादा वो वापस सही सही हो जाएगी। तो समझ में आ गया,
अब अकेली लेग मूवमेंट करने का तरीका यही है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो क्योंकि हाथ ऐसे सीधे रहते हैं और हमारे सिर पर चोट नहीं लगती। हैंड मूवमेंट ऐसे रखना ताँ जो दीवार आ जाए तो पहले ये हाथ ऐसे टकराए। अगर आप हैंड मूवमेंट सीधे रखोगे तो यहाँ पे चोट लगेगी, अगर आप ऐसे रखोगे तो यहाँ पे आपका चोट नहीं लगेगी। अब किक मूवमेंट, ओनली किक मूवमेंट, देखो कैसे। समझ में आ रहा किक मूवमेंट चल रही है, ये किक मूवमेंट है ठीक है। और बैक में फ्लोटिंग कैसे करते हैं, बैक में जब फ्लोटिंग करते हैं तो लेग्स मूवमेंट नीचे जाएगी कुछ देर बाद ठीक है। अब आ जाते हैं ओनली हैंड मूवमेंट पे। ओके, किक मूवमेंट समझ में आ गई, अब हैंड मूवमेंट, बाद में इन दोनों को जोड़ देना है। एस बनानी है ऊपर क्या है, हाथ गया यहां से बैठ। ऐसे हैंड मूवमेंट चलानी है, कैसे नहीं चलानी, हम डायरेक्ट चलाते ना वो वैसे नहीं चलानी, मैं वो चला के दिखा देता हूँ। ये देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते थे, इससे एक तो मसल का जोर ज़्यादा लगता है, दूसरी बात कि हमारे हैंड मूवमेंट का भी जोर ज़्यादा लगता है, हम थक जल्दी जाते हैं जब हैंड सीधा चलाते हैं। और जब हैंड सीधा चलाते हैं ना तो यहाँ से पानी भी ज़्यादा उछल के हमारे मुंह पे आता है, तो क्या करना है, एस की तरह चलाना है, ऐसे ऐसे, इससे हमारी बैक की स्पीड भी बढ़ती है और हमारा जोर भी कम लगता है और हम एक्यूरेट भी जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बैक एक बार फिर से फुल करते हैं। बैक में समरसॉल्ट कैसे मारते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम बैक करते हैं, बैक जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ दीवार के पास पहुँचने वाले, जैसे हम यहाँ पहुँचने वाले हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप बैक करते करते यहाँ आ जाओगे ना, देन लास्ट टर्न जहाँ आएगा तो तुरंत आपको समरसॉल्ट मारनी पड़ेगी, आप इसमें टच नहीं कर सकते ठीक है। एक बार मार के दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखो बैक में एक चीज़ और याद रखना, बैक में आपको पानी के अंदर से जब बाहर निकलना ना तो आप ऐसे होने चाहिए, अगर आप उल्टे हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जब आपने समरसॉल्ट मारनी है, समरसॉल्ट मार के उल्टी डॉल्फिन की डॉल्फिन करते करते बाहर आओगे, देन देखिए फिर से बैक स्विमिंग स्टार्ट ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और अब आता है लास्ट में क्या, जब आप बैक स्विमिंग करोगे तो हम बिंगे चले जाते हैं, टेढ़े चले जाते हैं, उसका कारण मैं बता देता हूँ। जी काफ़ी जनों को कमेंट आते हैं कि हम बैक स्विमिंग करते हैं हम बिंगे हो जाते हैं, वो नेचुरली रहता है। क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है, दूसरी बात आप जब फ्री स्टाइल की स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हो तो एक ही साइड से सांस लेते हो, उससे क्या होता है कि आपकी एक साइड जो एक पोर्शन पूरा खींच के चलता है एक कम खींचता है ठीक है। बैक स्विमिंग में ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथ इक्वली ही खींचने हैं ठीक है। जब ये खींचते समय आपने इस हाथ को ऐसे नहीं लेके जाना, इस हाथ को ऐसे नहीं लेके जाना, जब आप हाथ को ऐसे लेके जाते हो तो बॉडी मूवमेंट बिंगी हो जाती है। तो दोनों हाथ सीधे लेके जाने, दोनों हाथ सीधे लेके जाने हैं। समझ में आ गया। और अगर आपको थूक आता है उधर फेंक देना, अगर मुंह में पानी जाता है जैसे बैक करते समय आप ऐसे निकाल सकते हो ठीक है। तो बैक का सेशन होता है यहीं पे ख़त्म। तो चलो एंड करते हैं, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया हो, एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स बैक में मैंने सारा कुछ बता दिया है, कुछ रहता होगा तो पूछ लेना। समर शोल्ड की जो मैंने आपको बात बताई है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी बात की छोटे पूल में मुझे समर शोल्ड मारने में थोड़ी होता भी है, दिक्कत भी होता है कि सिर ना नीचे लग जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पर बड़े में कोई ऐसा नहीं होता। बाकी समरसॉल्ट मार के आपको सीधा ही ऐसे उल्टा ही बाहर निकलना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बिना इसके मतलब कि बैक फ्लोटिंग कर रहा हूँ और देन मैं किक कर रहा हूँ और आपको किक भी दिखा सकता हूँ। ये देखो
ये मेरी किक चल रही है, ये मैं फ्लोटिंग कर रहा हूँ, और एक हाथ से मैंने फ़ोन हैंडल किया हुआ था। अब मैं फ़ोन मतलब कि किकिंग करता करता मतलब कि प्रैक्टिस करता करता आपको दिखा रहा था, मतलब कि है मेरी इतनी प्रैक्टिस, इतना भी निकम्मा नहीं मैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। शॉर्ट्स अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दो। बाय फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो बाय।